आपका कैमरा ये है? अच्छा मेरा ये है जी सर, वहाँ पे कमेंट्स आपको करेंगे। ठीक इधर से जी सर, क्यों नहीं उठाए? स्पीकर, हेलो सर, स्पीकर ये मेरी है सर, चेक कीजिए। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल सही, ये एजाज साहब कह रहे हैं ट्रैफिक का मसला, इस पे एजाज साहब आपको पता है कि एक तो ये रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, फिर दूसरा साइडों पे जो सैनिटेशन के लैन बन रहे थे, तो उस पे इंशाल्लाह अजीज कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, आपको पता है कि बेरोज़गारी की वजह से बहुत से लोगों के पास ही केरी डब्बे और ये चीज़ें हैं, हमने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्ट्रीमलाइन करें, तो ये मैंने इंशाल्लाह नोट कर लिया, इस पर मज़ीद कार्रवाइयाँ भी करेंगे। हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बताएं इमरान साहब। सर इसलिए कि अहमदाबाद में मोटरसाइकिल जितने यूज कर रहे हैं सारे जी तो सर, मैं काफी मतलब से कार करके उपराण की भी थक चुका हूँ, लेकिन सर पता क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी माँ का एक बच्चा है, घर से मैं टांगे पड़ी मिलते हैं सर, ये कोई ऐसा काम करें कि मोटरसाइकिल में चला सके सर, ये कोई ऐसा। इमरान साहब इस तरह है कि मोटरसाइकिल जो वन व्हीलिंग है या यंगस्टर जो चलाते हैं उस पे हम डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और ये शायद आपने सोशल मीडिया पे, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा एबटाबाद पुलिस की तरफ से, इस पे हम तवातर के साथ कार्रवाइयाँ करते हैं और बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ करते हैं। हमने बल्कि अभी हेलमेट पॉलिसी जो शुरू की है उस पर जी जी नहीं नहीं नहीं, इस तरह कोई नहीं है, कोई फोन कोई नहीं छोड़ते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप देखेंगे जी। ये इंशाल्लाह ये TMA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फॉलो अप करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्लाह करम। सर सर मेरा भी यही मसला है कि हमारे इधर जो है ना, वो एक तो छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं थाना लोरा की तरफ जहाँ पे अब शफा चौकी है। जी जी। तो दूसरा ये कि छोटे बच्चे होते हैं वो एक मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे होते हैं, और दूसरा ये जो गाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं कि मलका होते हैं। ठीक। बस पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है और बगैर लाइसेंस की, और यह भी लगता खतरनाक को ये इस तरह और ड्राइविंग जो है ना ये करते हैं इस पे। ये मैंने नोट कर लिया है, देखें एक एंड पे ये पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन छोटे बच्चों को अगर मोटरसाइकिल वो चलाते हैं तो इसमें पेरेंट्स पे, वालदेन की भी बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी सर,
कि वो किस तरह अपने बच्चों को मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो इस पे हम जिस तरह मैंने पहले भी कहा इस पे हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे भी इस पे सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा बात ये कि वो गाड़ियाँ जाती है ना ये घोड़ा गली से जो है ना उतना तरफ जाती है ना, जी जी ये भी इनकी भी हालत जो है ना बिल्कुल वो कहते हैं जो मलका होते हैं ना, जी 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 पासेस हम नहीं देते जी, रूट परमिट जो है वो ये जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो देते होते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस नहीं देती। ये इंशाल्लाह इस पे करते हैं, इस पे कार्रवाइयां करते हैं। शुक्रिया जी, ठीक ये मैं ये करते हैं इंशाल्लाह इस पे करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अबिद अब्बासी साहब ने कहा है बाड़िया बाजार का केस में महंगाई है, ये मैं डीसी साहब को ये सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह और इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम कार्रवाई यहाँ करेंगे जी। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। एक रिक्वेस्ट है जी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अहमदाबाद से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को जाती है जी जी, उसमें सरकारी किरायेनामे के नफाज को काइंडली यकीनी बनाया जाए। ठीक, ये जितने भी अड्डा जात मालकान है वो जब पेट्रोल बढ़ता है तभी बढ़ा देते हैं, जब सीएनजी बढ़ती है तभी बढ़ा देते हैं, जी जी उनको पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि उनको इस बात का प्रबंध किया जाए कि वो अपने अड्डों में एक पैना फ्लेक्स लगाएं, उस पे किराया नामा वाज़े तौर पे मेंशन हो, सबको नजर आए कि ये किराया है। हर दो दिन बाद चार दिन बाद में घाई पैसे भी एक ज्यादा ही है, वो उसमें घाई की आड़ में मजीद में घाई कर देते हैं। ठीक, वो सीएनजी बढ़ती है उस पे भी बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ता है उस पे भी बढ़ा देते हैं। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रांसपोर्ट जो अहमदाबाद से बाकी डिस्ट्रिक्ट लाइक हरिपुर है या बाकी डिस्ट्रिक्ट को जाती है पिशावर मिनाबाद उन अदाजात की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ठीक इस पे इंशाल्लाह मैं आपकी वो नोट कर लिया है मैंने। फैक्ट्री आरटीए जो है उनको साथ लेके ट्रैफिक वाले साथ लेके तमाम अदाजात में पैना फ्लेक्स रूल लगाए, सामने लोगों को पता हो जाए कि ये किरायानामा अब से आनवर्ड जो है वो नाफिज होना बने। ये हर पाँच दिन बाद दस दिन बाद कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए, इंटरसिटी तो बड़ी बड़े इंटर सिटी जो है वो भी बढ़ चुका है। ठीक होगा, थोड़ा सा वो करें इंशाल्लाह करते हैं इस पे। ये मोहसिन साहब ने हवेलिया में झगड़ों का कहा है और आप यकीन करें अच्छा, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हवेलिया में वेपन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुदारा ये तशद्दुद पसंदी से इंतहा पसंदी से वेपन के इस्तेमाल से दूर रहें, और इस पे हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की और अभी हम काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, तो जो भी इसका मुर्तकिब पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखें ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है वो एबटाबाद पुलिस का मिशन नंबर 1 है और आपने देखा होगा हमने 300 से ऊपर एफआईआरें दर्ज की हैं आईएस के खिलाफ, हेरोइन के खिलाफ, और इंशाल्लाह जो भी आईएस का डीलर होगा, जो भी ड्रग पेडलर होगा वो एबटाबाद में नहीं रहेगा। ये मैं बिल्कुल सख्ती से मैसेज दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो भी उसमें मुलाविस होगा उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करेंगे। और ये आप एबटाबाद जो पुलिस का फेसबुक पेज है, जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, उस पर आप डेली बेसिस पे आप खुद चेक करें कि हम सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सप्लाई में यू टर्न का मसला है, उसको भी इंशाल्लाह चेक कर रहे हैं, ये मैंने नोट कर लिया अपने साथ। लोकल रूट्स का किराया ज़्यादा है, उस पर आरटीए के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम काम करेंगे। ये दमतोड़ से पहले जो मार्केट बन रही है इसका हम चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, आसिफ सर जी जी, एक एप्लीकेशन है थाना मंगल में इसलिए 2021 को मैंने वहाँ पे दर्ज करवाई है। किस चीज़ की है सर? किसी आस पड़ोस में थे किसी शैतान में घटते हुए
कार के लिए वो जमा किया वो कार तकरीबन 700 एबो पर समझे ना, उसके लिए आज सरकार ने इलाज या राह बना दिया। अच्छा सुबह छः बजे ठीक है उसकी इतनी रिपोर्ट तकरीबन 11:30 बजे खाना मांगू तो फर्स्ट वाइज वो उसके बाद आज तक किसी भी बच्चे से ना ठीक हो सकती है ना उसका कोई अमल आगे बढ़ सकते हैं। 3 चक्कर खाने से लगा चुका हूँ ये मैं आपको अभी एक घंटे में आपको कॉल आ जाएगी, आप ये अपना नंबर नोट करवा दें इस पे ऑपरेटर को तो मैं अभी आपको कॉल आती है 0342 9 6 7 9 6 8 9 6 8 230 अभी आपको कॉल आती है। ओके थैंक यू। देखिए मीरपुर और कॉमसेट के पास 2 चोरियां हुई हैं और उस पर हमने केसेस भी रजिस्टर किए हैं और इंशाल्लाह वो गैंग हम जल्दी पकड़ेंगे। जी हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जी 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 सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपका काम तो बड़ा पसंद है हमें। जी जी अभी पसवाल में जिस तरह वाकई हुआ है तो आपने मुजरिम पकड़े हैं बहुत खुशी हुई है जी। अल्लाह खुश रखे जी। तो सर काइंडली एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताएं सर ये जो नाके पे या जिस तरह पेट्रोलिंग पे मोबाइल वगैरह या मुलाजिम होते हैं इनका थोड़ा सा इनको कह दें कि रवैया अच्छा रखें। जी जी लोगों के साथ ना ठीक अच्छी बात की आपने। जरा पूछने का रवैया थोड़ा सख्त होता है थोड़ा आप बेफिक्र रहें ये बिल्कुल आपने सही बात पॉइंट आउट किया और इस पर इंशाल्लाह अजीज हम कार्रवाई करेंगे आप बेफिक्र रहें। अच्छा जी सर क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है हमारी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है हम आपसे बहुत खुश हैं। जी अल्लाह खुश रखे इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे पब्लिक डीलिंग को और भी खुश रहें। जब वो रोकते हैं तो उनका मिजाज खुश रहें खुश रहें। पॉइंट वेल नोटेड शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हेलो हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बात कर रहा हूँ बताएं। बिल्कुल खैर खैरियत ठीक ठीक हो गया जी करते हैं जी करते हैं पॉइंट वेल नोटेड ठीक हो गया जी ठीक ओके जी गलियात में सरदार हफीज साहब ने कहा है आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं ये मैंने नोट कर लिया डी साहब के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। हेलो हेलो सलाम अलैकुम जी जी वालेकुम अस्सलाम हफीज साहब मैं उस्मान रफीक बात कर रहा हूँ अहमदाबाद जी उस्मान साहब सर मेरा थोड़ा सा एक मसला है थोड़ा सा पर्सनल है जी जी बताएं ठीक तो वापस आया हूँ अभी मतलब मेरा जायदाद का मसला है हमारे मेरे दुकान पे जमीन पे मकान पे बाइक का कब्जा ठीक मैंने बहुत कोशिश की है कि यार इसको घर में बैठ के आप काइंडली अगर मेरे ऑफिस आ जाएं उस्मान रफीक साहब सर मैं किस वक्त आऊँ आप मुझे बताएं आप मंडे के दिन आ जाएं मंडे वाले दिन जी जी बिल्कुल मंडे के दिन टाइम अगर मुझे दे दें कोई भी टाइम हो मंडे के दिन एनी टाइम ठीक है सर मैं इंशाल्लाह मंडे को थैंक यू सो मच कोई भी टाइम मंडे के दिन ठीक है सर मैं इंशाल्लाह मंडे को
किया है। पुलिस की जॉब्स कब आएगी? पुलिस की जॉब्स इंशाल्लाह इस साल जो ईटा पे वेटिंग लिस्ट वाले थे वो तो अभी इंशाल्लाह उनके इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल शुरू है, और नेक्स्ट ईयर जब भी वो हमने 1000 वैकेंसी सेंक्शन की हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इसकी रिक्रूटमेंट ईटा के थ्रू होगी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बताएं। जी जी इस पे उस्मान साहब मैं अर्ज करता चलूं आपको, इस पे हम तवातर के साथ पर्चे दे रहे हैं, इसमें कुछ ट्रांसजेंडर इन्वॉल्व हैं उन पे भी दे रहे हैं, जो इसके अलावा लोग हैं उन पे भी दे रहे हैं। अगर मैं आपको फिगर दूं तो पिछले 2-3 महीनों में हमने 40 से ऊपर पर्चे दिए हैं इसके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये जी जी देखें हमारे पास एक ही रास्ता है उस्मान साहब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कानूनी कार्रवाई करें, उसके अलावा आप बेहतर समझते हैं कि उसके अलावा हमारे पास कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हम ये हवाले कर सकते हैं, वो फिर अदालत का काम होता है। तो इस पे बिल्कुल ये हमारे नोटिस में, इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बोल रहा हूँ जी। जी जी बताएं, मसला बताएं। अच्छा ठीक, ठीक। देखें वो मेरे ख्याल में ख्वातीन अगर आगे बैठें तो वो इज़्ज़त के साथ ही बैठती हैं, अगर कहीं पे हमें कोई शिकायत मिलती है तो वो हमेशा हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। इस पे पहले भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये तमाम अड्डों के मालकान जो हैं या इनकी जो इंतज़ामिया इनसे हम मीटिंग में करेंगे और इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई भी करेंगे। वो मैंने बिल्कुल वो नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इस पे आरटीए के साथ हम कार्रवाई करेंगे, ट्रैफिक पुलिस और आरटीए में ये करते हैं इस पे इंशाल्लाह। थैंक यू। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि अहमदाबाद में आप क्या समझते हैं कि जहाँ तक ड्रग डीलिंग कंट्रोल हो चुकी है, देख क्या पुलिस में इसका इन्वॉल्वमेंट मौजूद है? देखें ड्रग, मैंने आपको कहा है कि ड्रग के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस ने सिर्फ इस साल 300 पर्चे दिए हैं, एफआईआर केसेस रजिस्टर किए हैं। ये एक ऑनगोइंग बैटल है, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। जब तक लोगों की कोऑपरेशन नहीं होगी, जब तक सोसाइटी की कोऑपरेशन नहीं होगी, इस नासूर को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आप पहले भी कहा है, हर फोरम पे मैं कहता हूँ, ये एबटाबाद पुलिस का मिशन नंबर एक है और इस पे इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे भी हम काम करते रहेंगे। अगर आपके पास वो हमें करते होते हैं, हमने कमेटियाँ भी बनाई हुई हैं। देखें ये एक मफरूज़ा है और इस मफरूज़े पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी इस पे बिलीव ना करें। पुलिस जो है इसके ख़िलाफ़ जहाद में अपना हिस्सा डाल रही है और ये पुलिस का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंशाल्लाह आगे भी हम इस पे काम करेंगे। इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे जी, इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो
जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप कर रहे हैं? जी मैं डीपीओ बोल रहा हूँ जी। बात कर रहे हैं डीपीओ साहब? जी मैं बात कर रहा हूँ, बताएं। आप बात कर रहे हैं सर? जी जी बात बात कर रहा हूँ जी। सर आप क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं। सर सर आप छोटी सी बात कर रहे थे, तो कैसे लिए तो आप एक दूसरे जो तो जंगस्टर और इनका मतलब बिल्कुल पैसे लेते हैं लोगों से लड़ाइयाँ और ये चीज ना काफी कंप्लेन है कि ना वो मैं किसकी हमारे घर का रास्ता रोज उन्होंने रोकना और जो घर को भी जा रहा है उसको भी उतार कर कौन कौन रोक रहे हैं? कौन मैं आपकी बात नहीं समझा, कौन रोक रहे हैं? नहीं किस लिए रोकते हैं? मैं आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। कौन रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? पुलिस तलाशी के लिए नहीं, देखें नाका तो लोगों की हिफाजत, देखें भाई भाई जान आपकी हिफाजत, देखें वो अगर दस, देखें आप भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, पुलिस कड़ी होती है आपकी हिफाजत के लिए, लॉ एंड हाँ, और इंशाल्लाह अगर ज़्यादा रोकते हैं तो वो ज़्यादती करते हैं, ये मैं इंशाल्लाह एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ये आपकी गाड़ी, अगर आप काइंडली मेरे ऑफिस आ जाएं तो इस पे मैं डिस्कस कर लेंगे आपकी गाड़ी का जो केस है। अज़र साहब आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो आप आ जाएं मेरे ऑफिस। हेलो हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, जी वालेकुम अस्सलाम, हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो सलाम अलैकुम, जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी वालेकुम सलाम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम, सर कैसे हैं आप? खैर खैरियत है, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। वालेकुम सर। जी 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 वालेकुम सलाम। सर एक मसला है। जी जी बताएं। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है मुझे, बताएं मसला बताएं। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत आपकी अभी खुले के चेहरे में देख रहा था। जी 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 बताएं। सर मेरा ये 2018 से ये 2012 से मेरा इशू चल रहा है, 205 बोर का संस्था के लिए मैंने दिया हुआ था ये, तो इस दर से ये 17/9/2018 से ये इसी साथ इधर आपके इधर मार्ग हुआ था ये लाइसेंस आपके से भी, तो ये अभी आपकी रिपोर्ट जमा नहीं हो सकी है, मैं तकरीबन 3 दिन पहले भी आपके ऑफिस आया था। आप कल आ जाएं मेरे ऑफिस और मेरे रीडर ये PSO यासिर से मिलने, कल आप आ जाएं इंशाल्लाह हो जाएगा, यासिर से मिल लें, आप आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हेलो जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी जी बताएं मसला बताएं। काम के लिए जी जी, तो ट्रैफिक मतलब गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं वो पार्किंग का बड़ा इशू है, ट्रैफिक वाले छोड़ते नहीं है, तो कोई प्राडो या कोई लैंड क्रूजर उसको पूछते नहीं है, तो आम सी गाड़ी होती है वो उसको पूछते हैं जी आपने इधर क्यों खड़ी की है, क्या है क्या नहीं है, तो सर इसके लिए कोई मसला? देखें गलत पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है और गलत पार्किंग वैसे ही गैर कानूनी है, चाहे वो बड़ी गाड़ी करे या छोटी गाड़ी करे, लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर भी ये आपने पॉइंट नोट करवा दिया, इसको मैं ट्रैफिक SSP साहब के साथ में गाड़ी सर्कल करें, हम
ठीक, पॉइंट वेल नोटेड, पॉइंट वेल नोटेड, थैंक यू। ये जीशान साहब जो हैं गाड़ियों के प्रेशर ऑन, ये मैंने नोट कर लिया है, मसीह आबादियों के इर्द गिर्द, चूँकि ये मेरा डोमेन नहीं है हिफाजती दीवार, तो ये मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मसला उठाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, जी जी डी पी ओ एबटाबाद बोल रहा हूँ। जी जी तो इसमें दो आदमी मशहूर है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या केस किस चीज का है? एक केस दो केस के साथ मर्डर का केस है। ये मेरे ख्याल में आप पहले भी मेरे पास आए हुए थे। जी सर दो तीन बार आए। हाँ देखें वो जो 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 जगहें आप लोगों ने बताई थी, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, उस सारों पे पुलिस ने रेड्स किए हैं। इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, या मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ आपका केस। नहीं नहीं करते हैं ये, देखें इस तरह नहीं है। नहीं नहीं इस तरह नहीं है, मैंने मैं इस केस को खुद देख रहा हूँ और इंशाल्लाह इसको और भी परसू करेंगे। ओके 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 हेलो सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी जी आवाज़ आ रही है, बताएं। जी सर मैं इधर इस्लामाबाद में फौज में हूँ। जी हाँ बताएं सर, मेरे इधर फ्लड के साथ एक गांव है डेरी मेरा। हाँ बताएं। ठीक बच्चे स्कूल को जा रहे थे सर, वो बच्चों को रास्ते में एक बंदा है सर, उसका नाम ज़ुल्फ़िकार शाह बल्दे फरीद शाह नाम है उसका। हाँ तो उसके साथ एक और बंदा है आसफ़ शाह बल्दे यूसुफ शाह सर, उन वो वहाँ पे मुंशियात ये चीज़ें फरोख करते थे, मेरे बच्चों को जो पीने वाले थे उन्होंने मेरे बच्चों को रोका है। ठीक रोक के उनके पास जो सर जो पैसे लेते हैं उधर स्कूल में खाने पीने के लिए। अच्छा तो सर वो पैसे उन नशोइयों ने उससे छीने हैं। जब हमने शिकायत की उसके घर वाले, हमने बोला जब उधर एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा था उसने हमको कॉल की कि यार तुम्हारे बच्चों के तरह पोल्ट्री लोग हैं उन्होंने रोका हुआ। ठीक तो हमारा मलेदार है, उसने मुझे कॉल की, मैंने कहा यार मैं तो दोस्त आप किसी को आप काइंडली जरा किसी को ताने भिजवा दें। मैंने घर कॉल की, जब मेरी वाइफ वहाँ पहुंची मौके पर पहुंची तो साहब वो भाग गए उनको छोड़ के। आप इस तरह करें जो आप जी आप इस तरह करें कि किसी को कहें हवेलिया थाने में एप्लीकेशन दे दें, मैं अभी एसएचओ को कहता हूं। नहीं सर वहां थाना कैंट लगता है, जब हमने उनके शिकायत की तो सर वो कहते हैं जाओ थाने में बोलो ये करो वो करो, करते हैं इसको किसी को भिजवा दें, इस किसी को भिजवा दें थाने भिजवा दें, मैं अभी कहता हूं। सर ये उनका नाम तो अपने पास लिख लें, मैंने लिख लिया है, किसी को भिजवा दें दरख्वास्त दे दें तो हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है ओके शुक्रिया। ये जहाज साहब गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी आप काइंडली अगर एप्लीकेशन दे दें ताने मेरे ऑफिस आ जाएं, ये जो आप कह रहे हैं कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी है हाँ पॉइंट आउट करें तो इस पे हम कार्रवाई करेंगे। ये जदून साहब आपका नाम ही बड़ा अजीब सा है, पागल जदून, तो आप आएँ, आपका अगर कोई इशू है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह हल करेंगे। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बताएं। जी जी बताएं। हाँ? ये बगैर हेलमेट के बगैर किसी चीज के और नंबर प्लेट के शायद पीछे जो थी वो ग्रीन कलर
जी जी आ रहा था ठीक। आज सुबह मैंने उसको देखा है, वो इसी तरह आ रहा था कि हेलमेट वो नहीं पहनता। कुछ हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसको किसी किस्म का उसको रोकती नहीं है, पूछती नहीं है कि भाई तुम आ रहे हो। वैसे जिस बार देखो वो किसी न किसी मोटरसाइकिल को उन्होंने रोका होता है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है कि ये जो आपने हेलमेट वाला काम किया। तो कानून अगर आम आदमी के लिए है तो क्या उनके लिए नहीं है? उसको क्यों नहीं करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये ज़फ़र शाह साहब, तहसील हवेलिया जो है, आपको पता है कि उसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, वहाँ पे मैंने सारा सेटअप भी चेंज किया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी बेहतरी आएगी। लेकिन मेरी हवेलिया के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ये असले ऐसे और इंतहा पसंदी और तशद्दुद पसंदी से दूर रहें। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, सलाम अलैकुम। जी मैं डीपीओ बोल रहा हूँ, डीपीओ अटावा। जी जी हेलो जी, बात करें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये कंप्लेंट करनी थी कि ये जो जितने भी सनोकर क्लब हैं अटावा के अंदर, जी जी सर, इनको आप ये एक कोई इंस्पेक्शन जारी कर दें कि जितने भी बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। सर 5 सितंबर 2021 को, जी जी, तो सर इसके हवाले से मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन दी है, तो सर काइंडली इन्हें एनओसी ना जारी करें। देखें वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट देखें लीगल कानून के दायरे में अगर कोई चीज़ हो रही है तो मेरे ख्याल में उस पर पाबंदी लगाना भी गैर कानूनी एक अमल है। सर एक तो ये साउंड एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं, मैं इसको चेक कर लेता हूँ जी, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये नाड़ा के उसमें ये कह रहे थे कोई चेयर लिफ्ट का किराया ज़्यादा है या इस तरह लोरा, तो ये चेक कर लेते हैं जी, इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। मैंने नोट कर लिया पॉइंट। असले की नुमाइश पे रियाज गुल खान मुकम्मल पाबंदी है, इंशाल्लाह आप एबटाबाद में देखेंगे। हम इस पर तवातर के साथ केसेस भी रजिस्टर कर रहे हैं और किसी को इजाज़त नहीं है कि असले की नुमाइश करें। हेलो, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल, डीपीओ एबटाबाद बोल रहा हूँ, डीपीओ एबटाबाद बोल रहा हूँ जी, बताएं। सर से बोल रहा हूँ जी जी, आप काइंडली मेरे ऑफिस आ जाएं, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, किसी भी टाइम आ जाए, कल आ जाए, परसों, कल कल तो नहीं, परसों आ जाए फिर। ठीक है सर, हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, डीपीओ से बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा सर, आपसे गुजारिश है, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एबटाबाद की आवाम के लिए ये सब कुछ किया कि अपनी ऑनलाइन शिकायतें आप सुन रहे हैं। जी 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 जी। अरे सर बात यह है कि हम इधर ख्याल में रहते हैं और ये जो कॉलेज रोड है ये तकरीबन मगरिब के बाद जो है बड़ा एयर महफूज हो जाता है, यहाँ कुछ स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। ठीक, कब हुए वारदात? सर ये तकरीबन एक हफ्ता दस से नहीं है, कुछ तब भी हुई थी और मैंने पुलिस वालों को बताया भी था। मैं चेक कर लेता हूँ जी। ठीक है सर, ओके शुक्रिया। ये अफजल खान आपके केस को मैं देख लेता हूँ, कोई ये मलका में चोरी हुई थी रजौरिया में, वो मैं चेक कर लेता हूँ जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सर तेमाज खान बात कर रहा हूँ। जी तेमाज खान। सर मैंने एक एप्लीकेशन दी थी
डीएसपी साहब से मार्क करवा के दी थाना कैंट में। किस चीज की एप्लीकेशन थी? तो 18/1/2021 के रोजनामचा में भी वो सर दर्ज है। जी जी सर, अभी तो उसके बाद वो दरियाफ्त हुई है जो कि एडिशनल एसएचओ साहब अनवर। इशू क्या है? इशू मुझे बताएं, इशू मुझे बताएं। तो उसके बाद सर उनका तबादला हो गया है, तो अभी 6 माह से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। आप मेरे ऑफिस आ जाएं जुम्मे के दिन, मेरे ऑफिस आ जाएं। सर 2-3 दफा गए हैं, कहते हैं डीपीओ साहब मिले। आप मेरे ऑफिस आ जाएं, आप मेरे ऑफिस आ जाएं जुम्मे के दिन। जी शुक्रिया। अब्दुल्ला जदून साहब, आपके चेक का कोई हल नहीं निकला, आपने लिखा हुआ है, आप आ जाएं मेरे ऑफिस, मुझे ज़रा डिटेल्स दें क्या इशू है आपका। वाजिद साहब, ये रोड्स का तो अब यही है कि रोड्स मेरे उसमें आती नहीं है कि कच्ची रोडें हैं बकोट में, है मैंने भी देखी हैं, लोगों को तकलीफ है। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सीधे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो खुली कचहरी का इनकार किए और जो ऑनलाइन मसाइल चल रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। जी जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी आ रही है शकील साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे सब सुबह बच्चियाँ जब स्कूल कॉलेज जाती हैं और स्पेशली छुट्टी के टाइम यहाँ पे आवारा बच्चे होते हैं और उनको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। ये मैं शकील साहब इसको चेक कर लेते हैं, आप बेफिक्र रहे, इसको करते हैं आप बेफिक्र रहे। करते हैं शकील साहब इस पर इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं, आप देखेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। टिंटेड ग्लासेस का सरदार नियाज ने लिखा है और इस पर कार्रवाइयाँ होती भी हैं जहाँ पे भी टिंटेड ग्लासेस होती हैं, ये मैं नोट कर लेता हूँ, ट्रैफिक को डायरेक्शन चली जाएंगी। जेबरा क्रॉसिंग जब रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ पे चूंकि सिग्नल्स बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। हेलो 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 जी। वालेकुम सलाम, डीपीओ साहब एबटाबाद बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, डीपीओ एबटाबाद बोल रहा हूँ। जी शिराज खान बताएं। सर मेरी एक गाड़ी चोरी हुई थी तकरीबन, उसका पजार नंबर है 372। कब हुई थी ये तकरीबन? सर उसके तकरीबन 10 साल हो गए, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है। इसको देख लेते हैं शिराज खान, 10 साल तो काफी लंबा अरसा है, इंशाल्लाह देख लेते हैं। सर थोड़ा देखें उसके बारे में, मुझे कुछ पता तो चले कि इंशाल्लाह देखते हैं इसको। किस थाने का केस है? मैं चेक कर लेता हूँ। शुक्रिया जी शुक्रिया। वाजिद साहब ने ताने जो है ना वो उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, उसमें आबादी क्राइम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं, तो इसको इंशाल्लाह देखते हैं। अगर ताने की गुंजाइश नहीं हुई तो फिर हम चौकी के लिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि चौकी बनवाएं। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों से मसाइल सुन रहे हैं, बात को अप्रिशिएट करूंगा सर। जी जी मैं अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं अरबाब साहब। तो सर इस तरह है कि हमारा गांव है, तो यहाँ पे आपको पता है अवेयरनेस के हवाले से थोड़ी सी कमी है, तो सर यहाँ पे मंशियात का रुझान जो है वो नौजवान तबके में बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। कौन सा गाँव है आपका ये सर? नथिया गली ना? नहीं नथिया गली में कौन सी जगह? नथिया गली तो बहुत बड़ी जगह है। नथिया गली केरी राय की सर। कौन सी? केरी राय की सर। केरी राय की केरी राय की जी जी सर। तो ये ओवरऑल पूरे
चेक करते हैं इसको इंशाल्लाह। हो रहा है इस बात का पता इसलिए आप सब को नहीं चल रहा क्योंकि ये गांव का इलाका है जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, मीडिया जहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये छुप छुपा के काम हो रहा है। चेक करते हैं इसको, इस पे कुछ आप कंसीडर करें कुछ इस पे इंशाल्लाह, करते हैं इसको इंशाल्लाह, करते हैं ये मैंने नोट कर लिया, इस पे कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। स्नूकर क्लब्स का क्या है, इस पर इंशाल्लाह जल्दी कार्रवाई करेंगे। कोई स्कूल स्टूडेंट स्कूल के टाइमिंग्स में, कोई पार्क में, क्लब्स में, नेट कैफेज में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल, आमिर बात कर रहा हूँ। जी 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 ऐसा प्रोसेस, जैसे इस्लामाबाद में फैसिलिटेशन सेंटर है, टिकट सेंटर है, खाने को एक्सेस दिया हुआ है कि वहीं से वो ऑनलाइन दे देते हैं और वाकई वापस आपके साइन होकर वापस थाने में आ जाते हैं। इसी तरह होगा, बिल्कुल इसी तरह। ये मैं तमाम थानों को ऑलरेडी डायरेक्शंस भी जा चुकी हैं, आपको एबटाबाद आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उधर अपनी एप्लीकेशन दें और उधर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। डिफरेंट वो कहते हैं कि खुद ही जाके फॉर्म लेके आए। नहीं नहीं, कोई खुद नहीं नहीं, यहाँ पे भी यही प्रैक्टिस है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ फॉर्म, ये तमाम अपने थानों में पड़े हुए होंगे, ये चेक करते हैं। जी जी थैंक यू। यासीन अब्बासी साहब, लोरा में तो बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं SHO साहब ने, मैं दोबारा भी चेक कर लेता हूँ, अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप काइंडली SHO लोरा से मिल लें। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, जी बताएं शहजाद साहब। जी जी सर, हमारा किराएदारी फार्म बना हुआ है तो सर रोज पुलिस वाले आ जाते हैं जी, वो बोलते हैं आपका किराएदारी फार्म ये मसला है वो मसला है, हमने थाना में भी जमा करवाया। कहाँ पे रहते हैं आप, कहाँ पे रहते हैं सर? फ्लैट में रहता हूँ जी। मैं चेक कर लेता हूँ। तो सर एक मसला और है जी। हाँ बताएं सर, ये जो शहर में जो ये मांगने वाले फिरते हैं। हाँ हाँ सर, ये इन्होंने 2-3 दिन पहले मेरी वालदा के बैग से जेवरात निकाल लिए हैं। तो आपने रिपोर्ट नहीं की? सर रिपोर्ट इसलिए नहीं कराई कि वापस तो मिलने नहीं है। ये आप किस तरह कह सकते हैं वापस नहीं मिलने? तो सर ये क्वेश्चन पे भी कुछ करें, ये रोज आया दिन के चोरी हो रही है रोज सभी के। इसको चेक करते हैं, तो एक बंदे का 5 तोले का जेवर निकाल के ले गए। चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। देखें एरियल फायरिंग एक बहुत ही बड़ा मसला है एबटाबाद का, और ये हम कचहरियों में सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, PLC की मीटिंग्स में, हर जगह हम कहते होते हैं, और यकीन करें इस पे हम सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ भी करते हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक लोगों की कोऑपरेशन नहीं होगी। और इस पे हमने पिछले एक साल में 160 से ऊपर पर्चे किए हैं, 160 केसेस रजिस्टर किए हैं। तो मेरी तमाम एबटाबाद के लोगों से अपील है कि खुदारा शादियों में हवाई फायरिंग से दूर रहें। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल बोल रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट वालों का किस तरह मेडिकल तो शुरू है जी सर, हमारा इंटरव्यू हो गया 22 अक्टूबर को ना इस साल। हाँ तो सर अभी मेडिकल रहते हैं ना, तो वो कब तक होगा? तो वो तो मेडिकल हो गए हैं सारे मेडिकल में। आप मेरे ऑफिस आ जाएं फिर चेक करें, यहाँ से OHC वसीम से चेक करें। ठीक है सर, ओके।
नसीर साहब दो तीन इंसिडेंट हुए हैं ये स्नैचिंग के, वो भी गन पॉइंट पे नहीं, वो जाते हुए स्नैच कर लेते हैं। वो ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और इंशाल्लाह ये जल्दी पकड़े जाएंगे। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। जी 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 सर, एक साल से पूरा हो गया इसके बाद सर, कोर्ट ने दावत जमा की हुई है सर, के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उसका बाकी सब का काम हो गया। नहीं, किस चीज के लिए जमा कराया हुआ है जी? किस चीज के लिए कागजात जमा कराए हुए हैं सर? राय स्वागत के लिए सर, कोर्ट में भी वादा था मेरे पुलिस से रिटायर है सर। देखें, कोटे वाले जो हैं वो अपने नंबर पे होंगे, वो आपसे पहले जो जिनका नंबर होगा पहले वो भर्ती होंगे, उसके बाद आपका भाई भर्ती होगा। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो 20 और 30 साल वाले अभी तक बैठे हुए हैं। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनको भर्ती करने की। ये दम तोड़ का आपने कहा, दम तोड़ के कुछ नाम मुझे अहमद फराज साहब मुझे मिले थे कि ये मनशियात का काम करते हैं, उस पर दो दिन पहले ही हमने कार्रवाइयाँ की हैं, वो हमने वेरीफाई किया। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप काइंडली हमें इस पेज के थ्रू टेक्स्ट कर दें या SHO को व्हाट्सएप कर दें या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जरूर बात कर रहे हैं जी? जी मैं वजीद शाह बोल रहा हूँ, जगी सईद से। जी बताएं शाह जी। सर मेरी कंप्लेंट ये है कि मेरे पास लाइसेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये पहली बात तो ये सर, ये रोक करना, एक बंदा डीकर भी ड्राइव कर रहा है या बिल्कुल सही ड्राइव कर रहा है, उस पर सर रोक के बार बार तंग करते हैं। ठीक है, जहाँ मेरी मिस्टेक है, हेलमेट है वहाँ मैं खुद चला देता हूँ, 110 रुपये है, 120 हेलमेट का चलाना है वो मैं देता हूँ। जी जी सर, ये बार बार ऐसा तंग करते हैं, बिल्कुल रवैया अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। इसको चेक करते हैं शाह जी, इसको चेक करते हैं। दूसरी कंप्लेंट ये है कि एक साल पहले मेरे घर जो थी उससे पहले भी कोई थी और मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस मुख्यालय में, वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने वही स्टाम्प लिखवा के DGO से एप्लीकेशन अपनी मार्क करवाई थी, तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप काइंडली देखें मेरे टाइम में तो आप आ जाएं मेरे ऑफिस में, चेक कर लेता हूं। तो आपको ये भी नहीं पता अभी तक, आप एबटाबाद में रहते हैं, DP ऑफिस जो है पुलिस लाइंस में है। सैयद अली अब्बास अली सैयद साहब, बिल्कुल ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा मसला है एबटाबाद में और हवेलिया में भी, तो इंशाल्लाह इस पे हमारी फोकस है, इसको इम्प्रूव करेंगे। मेयर बाबा साहब आपने कहा है सिलट में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, दुकान से टायर चोरी हुए, तो काइंडली मेरे पास आए, इसको चेक करते हैं। ये मैंने नोट कर लिया है, ये SHO कैंट अभी आपको जवाब देगा इस पर। मेडिकल बोर्ड का बार बार मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी तो साइकोलॉजिकल टेस्ट और ये सारे हो गए हैं, मेडिकल होने हैं, ये चेक कर लेते हैं। ये जो मैंने नंबर नोट कराया था उस पर SHO का भी कहें कि उसको कॉल करें, वो एक नंबर मैंने नोट कराया था, मोबाइल नंबर। इसने वो कोई कमेंट किया था, PS मांगल SHO को कहें इसको कॉल करें। जॉब्स अभी सीटें सेंक्शन हुई हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये सीटें सेंक्शन हुई हैं और उस पे ईटा के थ्रू टेस्ट होगा, वो जब अनाउंस होगी, एडवर्टाइज होंगी, वो अखबारों में आ जाएगा, तो फिर सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लिए हैं। हेलो
जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी कौन सी जगह पे बंद ये स्टार्ट है ना ये नीचे जी 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 सरवन चौक से नीचे जी जी आमने सामने गाड़ियां खड़ी होती हैं कैंडी करने वाले अड्डा बनाया होता है इसको चेक करते हैं पीछे नहीं करते इसको चेक कर लेते हैं आपका पॉइंट सुजुकी वाले भी हैं उधर अड्डा बनाया होता है तो कोई मरीज बंदा लेकर जा रहा हो तो आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया है और मैं इस पर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी शुक्रिया शुक्रिया। एबटाबाद में प्रेशर हॉर्न और पुलिस फ्लैश लाइट्स जो हैं ये वाकई मौजूद हैं इस पे वक्तन फ़ौक्तन कार्रवाइयाँ भी होती हैं और ये ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मैं कहूँगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें आपके साथ शेयर भी करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डीएसपी का एसएचओ का और डीपीओ का वो हर थाने के बाहर लगा हुआ है और फिर भी मैं आपको वो व्हाट्सएप नंबर या सिर्फ उस ऑफिशियल है वो बताएं मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ मेरा व्हाट्सएप जो ऑफिशियल नंबर है 0346 ये कमेंट्स में भी मैं दे दूंगा बल्कि पेज पे लगा देंगे 111-9651 0346-111-9651 ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपके जायज़ कंप्लेंट्स हो जेन्युइन तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। लोरा में ये जो लिफ्टों के किराए हैं इसको चेक कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको उठाते हैं मसले को। अभी चूंकि कॉल्स भी नहीं आ रही तो मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है जितने भी देखने वाले हैं कि पुलिस का साथ दें इंशाल्लाह हम एबटाबाद को मज़ीद पुरामन शहर बनाएंगे और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को मनशियात के ख़िलाफ़ एबटाबाद पुलिस काम कर रही है दिन रात ये मेरे लिए चैलेंज नंबर एक है एबटाबाद पुलिस के लिए चैलेंज नंबर एक है और इस पे इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हम सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करेंगे जो भी ड्रग पेडलर्स होंगे इंशाल्लाह हम उनको एबटाबाद में रहने की जगह नहीं देंगे। एरियल फायरिंग बहुत बड़ा मसला है मेरी तमाम एबटाबाद के रिहाइशियों से चाहे मुझको जो सुन रहे हैं मेरा ये मैसेज अगर नहीं सुन रहे हैं उनको पहुँचा दें कि शादियों में खुदारा एरियल फायरिंग से हवाई फायरिंग से दूर रहें इससे कीमती जानों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है तो इसमें एबटाबाद पुलिस का साथ दें और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ इस पे और भी कार्रवाइयां हम करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डीपीओ साहब बात कर रहे हैं। जी जी हेलो हेलो जी जी डीपीओ बोल रहा हूँ। अच्छा डीपीओ साहब वो अंजुम नाम का जो बंदा था शेवल बर्डी का जी वो हमारे को चेक दिए थे 14,36,000 रुपए के ना। जी जी तो तकरीबन 4-5 महीने हो गए मुझे तो मिल वाले तंग कर रहे हैं मैंने बड़ी मुश्किल से उनको 5-6 लाख रुपया दिया है ना। जी तो आपने उस पर FIR क्यों नहीं की मुझे काले करते हैं बार बार ना। आपने उस पर FIR नहीं की आपने FIR किया या नहीं की FIR नहीं कराया तो FIR करवाएं उसके ऊपर। अच्छा सर हाँ वो चेक जो है हमारे पास पड़े हैं वो तो हमने उस पे FIR करवाएं FIR करा दें। जी जी बिल्कुल तो सर जी तो हमने ड्रैक अदालत में पेश किया। आप मेरे ऑफिस आ जाएं फिर मुझे सारा अपना मसला बताएं फिर देखते हैं। ठीक है सर ओके।
लंगरे पुल के करीब जो गैर कानूनी अड्डा बना है इसको चेक करते हैं, ये मैंने नोट कर लिया है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी शाह जी बताएं। सर अभी आपका पेज देखा था, आपने बहुत अच्छी बात की है कि वाई फाई रिंग की कंप्लेंट करें, लेकिन इशू ये है कि लास्ट टाइम एक ही बार मैंने एक एस एच ओ साहब को कंप्लेंट की थी वाई फाई रिंग के हवाले से। जी जी। तो एस एच ओ साहब ने करवाई तो उसी वक्त कर दी थी, बंदों के ऊपर ऐसा याद दिया, लेकिन एस एच ओ साहब ने साथ हमारे साथ ये मेहरबानी की है कि उस पार्टी को साथ ये भी बता दिया कि हाँ भाई इस बंदे ने इस नंबर से आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। ये किस एस एच ओ ने की थी? जमानत करवा के उसके बाद हमारे पास पहुँच जाए। ये किस एस एच ओ ने आपके खिलाफ? देखें, अगर कोई एस एच ओ या पुलिस वाला इस तरह का काम करता है तो उसको तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। बाकी सर मैं एस एच ओ साहब का नाम आपको पर्सनली व्हाट्सएप से कर जी जी व्हाट्सएप कर दें। मुझे जरा बताएं ये किस एस एच ओ ने उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, ओके शुक्रिया। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं। सर जी बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मुंशियात का है सर, इसके ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लें। और दूसरी बात तो सर ये पर्सनली आपको बता दूँ कि सर जमा उदो सब बहुत ज़्यादा अरे इलाज उनका करा देखें, मेरी अर्ज सुने, इसके खिलाफ हम डेली बेसिस पे एक्शन लेते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जहाँ पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो आप काइंडली मेरे व्हाट्सएप पे भिजवा दें, वहाँ पे हम इंशाल्लाह करेंगे। करते हैं आप मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भिजवा दें जहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हुई। शुक्रिया शुक्रिया। ये जो इंजेक्शन है ये ड्रग्स स्टोर्स पे अगर मिलते हैं तो ये ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ हम मीटिंग कर लेंगे, सैयद अब्बास अली साहब हवेलिया में, इसको चेक करते हैं। अगर इस तरह की कोई खरीदो फरोख्त हो रही है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे। पहाड़ी इलाके चूँकि बहुत ही दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस भी नहीं होती, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे भी इस तरह की चोरियों की रोकथाम है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं ये बात कर रहा हूँ, फादर नेम नसीर खान। जी जी बताएं। जी सर मेरे बड़े मेडिकल बोर्ड है ना। जी जी। तो सर मैं 2 साल हो गए मैंने दरख्वास्त दी है तो मुझे आज तक नहीं बुलाया है। देखें आप मेरे ऑफिस आ जाएं, मेडिकल बोर्ड आपके वाले साहब थे मेडिकल बोर्ड पे। आप अपने नंबर पे भर्ती होंगे फिर। अच्छा। हाँ वो इनकैपेसिटेटेड और जो डिसीज सन का कोटा होता है वो नंबर पे होता है। ठीक है सर, तो मैं कब आपके दफ्तर आऊं? जब भी आए आप, जब आपका दिल करे आप आए। ठीक है मेहरबानी। ओके शुक्रिया। ओके अल्लाह। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही है। जी बताएं। सर मेरे एक बिजनेस पोर्टल पे ना एक लड़के थे वो अपने की तस्वीरें लगा के अपना नाम छवाई कर रहे थे तो वो मेरे कंप्लेंट। हां बिजनेस पोर्टल पे। किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? जी जी करना मैं भूल गया था ना। ठीक। तो उन्होंने बता दिया तो मैंने तो एक अलग फ्लाग के लिए काम किया था। जी जी अच्छा नहीं है वाशरे के लिए।
जी, तो बाद में वो रिश्तेदार भी थे तो वो नाराजगी भी मिलती है। मैं चेक कर लेता हूँ इसको, अगर इस कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो मैं चेक कर लूँगा उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं ये चेक कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, पॉइंट वेल नोटेड, शुक्रिया जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोगों ने कॉल्स की, जितनों ने मैसेजेस किए, और ये तमाम पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। जितने भी पॉइंट्स आपके हैं इसके प्रॉपरली मिनट्स इशू होंगे, ये तमाम मैसेजेस एसडीपीओ को ये डायरेक्शंस जाएंगी, और जो भी लीगल काम होंगे इंशाल्लाह वो सारे हम कोशिश करेंगे कि वो आपके मुश्किलात जो हैं, आप सबकी मुश्किलात वो हल हों। आखिर में एक मैसेज फिर एबटाबाद के तमाम बासियों और शहरियों के लिए कि पुलिस का साथ दें, इंशाल्लाह हम 100% मेरिट पे काम करते भी हैं और इंश्योर भी करते हैं कि मेरिट पे काम हो, और आगे भी जितने भी ईवल्स हैं सोसाइटी के, चाहे वो पावर्टी, चाहे वो जो बैगर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ट्रैफिक के मसाइल हो गए, हवाई फायरिंग के मसाइल हो गए, मनशियात हो गई, तो उनके ख़िलाफ़ एबटाबाद पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और आपके साथ इंशाल्लाह हम इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।